अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पाई नेटवर्क का जो ओपन नेटवर्क है उसकी लॉन्च के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पाई नोड जो है उसको आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या आप लोगों को फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स आप लोगों को फ्यूचर में मिलने जा रहे हैं, पाई नोड आप लोगों ने क्यों यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाई नेटवर्क जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो पाई नोड के साथ भी जुड़ा हुआ है। पाई नोड इन्होंने क्या और कैसे उसको इंस्टॉल आप लोगों ने करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा क्या चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, होम स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पाई नोड की एक अपडेट भी नज़र आ रही है। ठीक है, ओपन नेटवर्क प्रिपरेशन एंड वर्जन अपडेट। एक तो ओपन नेटवर्क जो है जिसको हम मेन नेट कहते हैं वो उसकी प्रिपरेशन जो है हो रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था 3 टारगेट इन्होंने अचीव करने हैं। उसमें पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने जो है वो 15 मिलियन लोगों की KYC कंप्लीट करनी थी और 10 मिलियन लोगों की इन्होंने माइग्रेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, और 10 मिलियन लोगों की KYC जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी हुई है। इट मीन्स 10 मिलियन लोगों की माइग्रेशन अब ईजीली हो सकती है, एक टारगेट अजीब हो सकता है। दूसरा, 15 मिलियन लोगों की KYC अभी होने वाली है। तीसरा ये है कि पाई नोड जो है इसको भी इन्होंने लेके आना है, अपने पायनियर्स को, अपने यूज़र्स को देना है। अब पाई नोड है क्या, इसको मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं स्क्रीन पे जाने से पहले, कि पाई नोड आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने लैपटॉप में आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है। और आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर पाई नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है, जो बिल्कुल आप लोगों को इंटरफेस इसी तरह नज़र आएगा जिस तरह आप लोगों को ये मोबाइल के ऊपर नज़र आता है। ठीक है, सेम इसी तरह आप लोगों को इंटरफेस नज़र आएगा। वहाँ पे आप लोगों ने 24 आवर्स के बाद आप लोगों ने जस्ट एप्लीकेशन ओपन करके, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपने माइनिंग बटन को प्रेस कर देना होता है और आप लोगों की माइनिंग जो है वो चालू हो जाती है। अब ये नहीं कि आपने मोबाइल के ऊपर भी करनी है माइनिंग ऑन, उसके ऊपर भी करनी है, कंप्यूटर के ऊपर भी, आप सिंपल एक जगह पे कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर कर लें या मोबाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने नोड जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से आप लोगों ने पाई नोड इंस्टॉल कर लेना है, उसको इंस्टॉल करके आप लोगों ने उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, उसी को पाई नोड कहते हैं। अब पाई नोड क्या है, एक तो उन्होंने इसका वर्जन जो है वो अपडेट किया है, ऑलमोस्ट 2 लाख लोग ऑलरेडी पाई नोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो वो बता रहे हैं कि वी आर एडवांसिंग नोड्स टुवर्ड्स दी ओपन नेटवर्क इन एडिशन टू मल्टीपल नोड अपडेट सिंस पाई डे 2024। पाई डे 2024 के बाद अभी तक कोई पाई नोड की अपडेट जो है वो नहीं आई, कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया। अब वो पाई का जो नोड है उसको अपडेट करने जा रहे हैं, उसका वर्जन न्यू करने जा रहे हैं। वी आर प्लानिंग ए मैकेनिज्म फॉर द नोड्स टू सपोर्ट स्विचिंग बिटवीन द टेस्ट नेट एंड मेन नेट ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे आप लोग वो एक न्यू जो है वो चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, उसमें आप लोग टेस्ट नेट ब्लॉकचेन से मेन नेट ब्लॉकचेन में आप लोग उसको स्विच कर सकेंगे। जिस तरह अगर हम वॉलेट ओपन करते हैं तो वहाँ से हम लोग टेस्ट नेट वॉलेट से मेन नेट वॉलेट को हम अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग वॉलेट ओपन करते हैं तो आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं, डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है टेस्ट नेट वॉलेट और मेन नेट वॉलेट। टेस्ट नेट वॉलेट वो है जिसमें आप लोगों को 100 पाई जो है वो सिर्फ सेंडिंग और रिसीविंग पर्पज़ के लिए मिले थे, लेकिन जो मेन नेट वॉलेट में वॉलेट है उसमें आप लोगों का वो बैलेंस नज़र आता है जो आप लोगों की माइग्रेशन हुई है, जो आप लोगों का एक्चुअल बैलेंस है, जो आप लोगों ने अपनी माइनिंग जो है वो ट्रांसफ़र की है अपने वॉलेट के अंदर। ठीक है, वो आपका मेन नेट वॉलेट के अंदर शो होगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको मोर रीड ऊपर, रीड मोर के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इसका पूरा ब्लॉग, पूरा इसका आर्टिकल मिल जाता है जिसमें आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता देते हैं पाई नोड के हवाले से। 2 लाख लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दी पाई नोड टूडे, आप लोगों ने पाई नोड को किस तरह जो है वो इंस्टॉल करना है। उसके लिए उन्होंने कहा हुआ जी यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट पाई नोड वर्जन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट नोड पेज। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरी चीज़ ये है जी, नोड्स आर ऑटोमेटिकली अपडेटिंग टू द लेटेस्ट वर्जन। जब आप लोग नोड एक दफ़ा कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वर्जन जो है वो न्यू अपडेट हो जाएगा। आप लोगों को मैन्युअली उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आप लोग मोबाइल के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं, उसी तरह आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद लुकिंग हैड प्रिपेयरिंग नोड्स फॉर दी ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क जो है, टू प्रिपेयर नोड्स फॉर दी ओपन नेटवर्क वी नीड टू इनेबल स्विचिंग बिटवीन दी टेस्ट नेट एंड मेन नेट ब्लॉक चेन। टेस्ट नेट से मेन नेट ब्लॉक चेन के अंदर स्विचिंग का ऑप्शन देंगे। दिस विल अलाउ नोड रनर टू ट्रांजिशन स्मूदली टू द मेन नेट वंस द नेटवर्क ओपन। जब नेटवर्क ओपन कर दिया जाएगा, मेन नेट लॉन्च कर दिया जाएगा, तो तब स्मूदली आप लोग जो है नोड के ऊपर टेस्ट नेट से मेन नेट ब्लॉक चेन के ऊपर ईजिली आप लोग उसको ट्रांजिशन कर सकेंगे। अपकमिंग वर्जन ऑफ द नोड एप्लीकेशन एंड सर्वर विल सपोर्ट बोथ ब्लॉक चेन इंश्योरिंग दिस ट्रांजिशन। अब जो न्यू अपडेटेड वर्जन है उसमें ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग टेस्ट नेट ब्लॉक चेन से मेन नेट ब्लॉक चेन में ट्रांजिशन स्विच जो है वो आप लोग कर सकेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद टेस्ट नेट इज़ फॉर टेस्टिंग एंड मे बी रीसेट ओकेजनली। अब हो सकता है कि एक तो टेस्टिंग के लिए मे बी इसको रीसेट भी किया जा सके। उसके बारे में उन्होंने बताया, एज ए जेंटल रिमाइंडर टू डेवलपर्स एंड यूज़र, प्लीज़ डू नॉट स्टोर प्रोडक्शन डाटा ऑन द टेस्ट नेट और मेक योर एप्स डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। अपने एप्लीकेशन को इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। टेस्ट नेट इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज। टेस्ट नेट जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। एंड इट इज़ क्रूशल टू मेन नेट इस मेंटेन ए स्मॉल निम्बल ब्लॉक चेन बाय रीसेटिंग इट्स स्टैट पीरियडिकली। अब इन्होंने एक पीरियड सेलेक्ट करना है, उस पीरियड पे जाके ऑटोमेटिकली जो है वो इनका जो टेस्ट नेट है या इनका जो नोड है ऑटोमेटिकली वो रीसेट किया जाएगा। तो आपने उसके ऊपर वो कह रहे हैं इन्हसार नहीं करना। रीसेंट नोड वर्जन अपडेट, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। यूज़र इंटरफेस अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स, उसमें कौन कौन से आए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या उन्होंने चीज़ें चेंज की हैं, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा इंट्रोड्यूस है। वार्निंग रिलेटिंग टू द इंटरप्टिंग द कैचअप प्रोसेस, इम्प्रूव द मेथड फॉर नोड्स टू डिटरमिन द लेटेस्ट ब्लॉक, ब्लॉक चेन जो है वो उसके ऊपर जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसको भी आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट आप लोग कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप लोगों को किस तरह ये फ़ायदा देगा, आप लोगों ने नोड अभी यूज़ करना है या नहीं करना। जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हैं वो इंस्टॉल करके इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, अभी इतना ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने नोड को ज़रूर इंस्टॉल करना है और इसको ज़रूर आप लोगों ने यूज़ करना है। फ़ायदा आप लोगों को ये इस तरह देगा कि आप लोग यहाँ से काफ़ी लर्निंग आप लोगों को मिलेगी और आप लोगों को इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड यहाँ पे मिलेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो पाई नोड को लेके आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को पता है जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं, और काफ़ी लोगों को पता भी है कि पाई नेटवर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा जो फेक और स्कैम न्यूज़ हैं वो फैलाई जा रही हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100% जो अथेंटिक न्यूज़ है वही मिलती है, और आप लोग ताकि अप टू डेट रहें और आप लोगों को पता हो कि पाई नेटवर्क का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होने वाला है। तो मेरे चैनल के ऊपर अगर आप न्यू आए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।